दोस्तों बहुत सारे यूट्यूबर मुझसे एक ही क्वेश्चन बार बार पूछते हैं कि सर मैं अपने यूट्यूब के चैनल पे दूसरों की वीडियो को डाउनलोड करके अपलोड करता हूं और मेरे यूट्यूब की वीडियो में कॉपीराइट क्लेम नहीं आता है और ना ही कॉपीराइट स्ट्राइक आती है, तो क्या मेरा यूट्यूब चैनल मोनेटाइज होगा या नहीं। तो दोस्तों मैंने सोचा क्यों ना सभी लोगों का बारी बारी रिप्लाई करने से अच्छा है कि मैं इस पर एक प्रॉपर अच्छे से वीडियो बना दूं और उसमें अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके समझा दूं कि अगर आप दूसरे की वीडियो को डाउनलोड करके अपने यूट्यूब के चैनल पर अपलोड करेंगे और आपके वीडियो पे कॉपीराइट क्लेम नहीं आता है, आपके चैनल पे कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आती है, तो क्या आपका चैनल मोनेटाइज होगा या नहीं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, क्योंकि दोस्तों यहां पे मिलेगी हर खबर डंके की चोट पर। दोस्तों बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जो कि दूसरे की वीडियो को डाउनलोड करके अपने यूट्यूब के चैनल पे अपलोड करते हैं और उनके वीडियो में कॉपीराइट क्लेम भी नहीं आता है और कॉपीराइट स्ट्राइक भी नहीं आती है, इसलिए दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार पूछते हैं कि मेरा चैनल मोनेटाइज होगा कि नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स अब मैं आपको इसका साफ साफ क्लियर आंसर दे देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो फ्रेंड्स वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। देखिए दोस्तों अगर आप दूसरे की वीडियो को डाउनलोड करके अपने यूट्यूब के चैनल पे अपलोड करते हैं या किसी सोशल मीडिया ऐप या प्लेटफॉर्म से आप अपने वीडियो को डाउनलोड करके अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करते हैं, जैसे कि फेसबुक ट्विटर टेलीग्राम इंस्टाग्राम से आप डाउनलोड करके वीडियो को अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करते हैं, तो आप सोच रहे हैं कि चैनल मोनेटाइज होगा या नहीं। तो यहाँ पे दोस्तों दोनों केस होती है, यानी फ्रेंड्स कुछ कंडीशंस में ऐसा होता है कि जहाँ पे आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है और कुछ कंडीशंस ऐसी होती है कि जहाँ पे आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होता है। तो चलिए मैं आपको पहले बता देता हूँ कि कौन कौन सी कंडीशन में आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। तो फ्रेंड्स मान लीजिए आप एक यूट्यूबर है और किसी भी यूट्यूब की वीडियो को यानी किसी दूसरे यूट्यूबर्स की वीडियो को आप किसी तरीके से डाउनलोड करके अपने यूट्यूब के चैनल पर अपलोड कर देते हैं, या फ्रेंड्स मान लीजिए आप किसी भी सोशल मीडिया ऐप या प्लेटफॉर्म से किसी भी वीडियो को आप डाउनलोड करके अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर देते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने फेसबुक से डाउनलोड कर लिया, इंस्टाग्राम से, ट्विटर से, टेलीग्राम या कोई भी वीडियो को आप डाउनलोड करके अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर देते हैं जो कि इंटरनेट पे पहले से ऑलरेडी है, अगर उस वीडियो को आप अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर देंगे तो ऐसे केस में दोस्तों आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा दोस्तों? जब आपके YouTube के चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट हो जाता है तो आप फ्रेंड्स अपने YouTube चैनल को जब मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करेंगे, मोनेटाइजेशन के लिए जब भेजेंगे मोनेटाइजेशन में, तो फ्रेंड्स YouTube जो है ना आपके चैनल को यानी YouTube टीम जो है आपके चैनल को ये चेक करता है कि आपका कंटेंट कैसा है, आपने वीडियो में कहाँ से 1000 सब्सक्राइबर्स या 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट किया है। तो दोस्तों जब आपके चैनल को रिव्यू करता है तो वो देखता है YouTube टीम की आपके चैनल पे जो भी वीडियो है वो दूसरे की वीडियो है या किसी प्लेटफॉर्म से इंटरनेट से आपने वीडियो को डाउनलोड करके अपलोड किया है या सोशल मीडिया से आपने उसको डाउनलोड करके अपलोड किया है, तो वहाँ पे आपके चैनल को मोनेटाइजेशन में रिजेक्ट कर देता है। क्यों? क्योंकि वो होता है रीयूज्ड कंटेंट, मतलब कि किसी और ने इस चीज़ को यूज किया हुआ है, यानी उसका हिंदी में मतलब होता है फिर से इस्तेमाल की गई सामग्री। रीयूज्ड कंटेंट का मतलब ये होता है कि फिर से इस्तेमाल की गई सामग्री। तो फ्रेंड्स उस अगर दूसरी वीडियो पहले से इंटरनेट पे है तो अगर आपने भी सेम वीडियो को अपलोड करेंगे उसी तरीके से तो वहां पे आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, यानी सेम टू सेम वीडियो अपलोड होगी तो मोनेटाइज नहीं होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल ऐसा भी नहीं है कि अगर आप दूसरे की वीडियो को आप अपने चैनल पे अपलोड करेंगे और आपके यूट्यूब के चैनल पे वीडियो में कॉपीराइट क्लेम नहीं आता है, कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आती है, तो आपका चैनल मोनेटाइज ही नहीं हुआ। नहीं, मोनेटाइज हो भी जाता है तो कब मोनेटाइज होगा इसको भी ध्यान से सुन लीजिए। तो दोस्तों देखिए मान लीजिए आप एक यूट्यूबर हैं, किसी भी यूट्यूब की वीडियो को आपने किसी तरीके से डाउनलोड करके आप अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करते हैं या कहीं से सोशल मीडिया ऐप से या किसी प्लेटफॉर्म से आपने इंस्टाग्राम ट्विटर फेसबुक वगैरह से किसी वीडियो को आपने डाउनलोड करके उसमें अपना खुद का वैल्यू ऐड कर देते हैं, यानी उस वीडियो में एडिटिंग करके अपना वॉइस ओवर कर देते हैं या अपना फेस दिखा देते हैं या फेस कैम वीडियो भी बना के आप उस वीडियो में ऐड कर देते हैं और जब चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करेंगे तो वहां पर दोस्तों आपका यूट्यूब चैनल सक्सेसफुल मोनेटाइज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा दोस्तों? क्योंकि फ्रेंड्स जब यूट्यूब टीम आपके चैनल को रिव्यू करके चेक करेगी तो देखेगी कि बेशक आपने दूसरे की वीडियो को डाउनलोड करके या कहीं किसी सोशल मीडिया ऐप से आपने वीडियो को डाउनलोड करके अपने यूट्यूब के चैनल पर अपलोड किया है और आपके वीडियो में कॉपीराइट क्लेम भी नहीं है, कॉपीराइट स्ट्राइक भी नहीं है, तो वहां पे वो देखेगा कि इसमें आपने अलग से अपना वॉइस ऐड किया है या फेस कैम वीडियो बनाया है या आपने इसमें अपना खुद का वैल्यू ऐड किया है, तो वहां पे यूट्यूब ये सोचता है कि आपने दूसरे का कंटेंट तो यूज किया है लेकिन इसमें आपने मेहनत भी खुद की है, यानी मान लीजिए आपने वॉइस ओवर कर दिया है, तो ऐसे में आपके यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज सक्सेसफुल कर देता है। आप दोस्तों अक्सर करके देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे फेमस चैनल है या बड़े बड़े चैनल है जिनका चैनल जो है ना जिनका कंटेंट खुद का नहीं होता है, दूसरे का कंटेंट होता है, उसमें सिर्फ वॉइस
वॉइस ओवर करके या फेस कैम वीडियो बना के वो अपने यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज करके बहुत अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं। क्यों हो जाता है मोनेटाइज? क्योंकि फ्रेंड्स जो कंटेंट में आप अपना वैल्यू ऐड कर देते हैं तो वहां पे वो मोनेटाइज हो जाता है। जैसे कि फैक्ट वाले चैनल होते हैं, रोस्टिंग वाले चैनल होते हैं, रिएक्शन वीडियो वाले चैनल होते हैं, तो ऐसे केस में आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो जाता है। मिला जुला के दोस्तों बात इतनी है कि अगर आप दूसरे के वीडियो को डाउनलोड करके या किसी सोशल मीडिया ऐप से डाउनलोड करके अपने यूट्यूब चैनल पे सेम टू सेम वीडियो को अपलोड करेंगे तो आपका यूट्यूब के चैनल पे अगर वीडियो में कॉपीराइट क्लेम भी नहीं हो या कॉपीराइट स्ट्राइक आए या ना आए आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। लेकिन फ्रेंड्स अगर आप दूसरे की वीडियो को यूज करते हैं और आपका कंटेंट में फ्रेंड्स कॉपीराइट क्लेम ना आता है या कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आती है और लेकिन आप उसमें अपना वॉइस ओवर कर देते हैं या वीडियो में एडिटिंग करके आप अपना फेस वगैरह दिखा देते हैं या फेस वीडियो बना देते हैं तो आपका YouTube चैनल सक्सेसफुल मोनेटाइज हो जाएगा। उम्मीद है फ्रेंड्स अब आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि अगर आप दूसरे की वीडियो अपलोड करेंगे और आपके वीडियो में कॉपीराइट क्लेम भी नहीं आता है या कॉपीराइट स्ट्राइक भी नहीं आती है तो आपका चैनल मोनेटाइज होगा या नहीं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।